नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों बेहद ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों का फूटा है गुस्सा, उपराष्ट्रपति धनखड़ को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, तो लोगों ने पूछा राष्ट्रपति मुर्मू को मिलेगा न्योता या नहीं। बीजेपी बैकफुट पर पूरी खबर जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी के दो मंत्रियों पर ईडी की रेड होते ही सुप्रीम कोर्ट एक्शन में, ईडी की सख्तियों पर सुनवाई, चुनाव से पहले लग सकती है लगाम यहां पर। तो वहीं जानेंगे कि ईवीएम का भांडा फूटते ही अब दूसरे तरीके से हेर फेर की तैयारी में यहां पर बीजेपी, अखिलेश यादव ने खोल दी है बड़ी पोल। तो वहीं जानेंगे दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से डरी बीजेपी, लगा रही है यात्रा में लगातार अड़ंगे, राहुल गांधी ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। तो वहीं बताएंगे कि मायावती को मनाने पहुंचे अखिलेश, इंडिया गठबंधन में मिल सकती है सीटें। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट जल्द से जल्द घोषित किया जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया। इस पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं परिवार के साथ अयोध्या धाम आऊंगा, और इसके बाद ही सोशल मीडिया पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। इसी खबर पर एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे देश की राष्ट्रपति को निमंत्रण मिला है या नहीं। एक अन्य यूजर ने कहा है कि फिर तो राष्ट्रपति जी को भी यहां पर मिलना ही चाहिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। यह यहां पर कई लोगों ने दोस्तों अपनी राय व्यक्त की है पूरे मामले पर, क्योंकि दोस्तों यहां पर अभी तक ये खबर सामने निकल के नहीं आई है कि राष्ट्रपति को निमंत्रण मिला है या नहीं। आप लोग भी अपनी राय पूरी खबर पर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन, राज्य सरकार के दो मंत्रियों के ठिकानों पर सुबह सुबह ही छापेमारी। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद जांच एजेंसी ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। आज ईडी की टीम ने आज सुबह सुबह पश्चिम बंगाल सरकार के दो मंत्रियों के घर पर छापा मारा। यह रेड नगर निगम नौकरी घोटाले से जुड़ी हुई है। और वहीं दोस्तों, ईडी की सख्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, और इस बीच यहां पर सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, कहा ईडी के पास में मनमानी सख्तियां हैं, जब चाहे जिसको भी गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए लगाम जरूरी है। और वहीं आप लोगों को यहां पर बताते चले कि विपक्षी नेताओं पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो भी नेता बीजेपी का समर्थक हो जाता है उसके सारे यहां पर घोटाले माफ कर दिए जाते हैं। बताते चले, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन के कमाल देखिए, छगन भुजबल की फाइल ईडी के रिकॉर्ड से गायब हो जाती है, अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार से तुरंत मुक्त हो जाते हैं जैसे ही वे यहां पर एनडीए में शामिल होते हैं, बीजेपी के वॉशिंग मशीन के हर कमाल से अब देश की जनता परिचित हो चुकी है पूरी तरह से। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो अगली अपडेट आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली है। अभी तक तो यहां पर ईवीएम पर ही संदेह जताया जा रहा था और लगातार मांग की जा रही थी कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने तो ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया है कि बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है अखिलेश यादव का बयान। भाजपा ने सपा समर्थकों के नाम मतदाता सूची से ही कटवा दिए ताकि बहुत से मतदाता अपना वोट ही ना डाल पाए। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी सरकार ने प्रशासन की मदद से समाजवादी पार्टी के समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए हैं। अखिलेश यादव ने यह बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सभी विधानसभा इकाइयों के अध्यक्षों से काटे गए नामों को दोबारा जुड़वाने को कहा है, और यहां पर बड़ी साजिश की तरफ अखिलेश यादव का ये बयान यहां पर इशारा कर रहा है कि विपक्षी पार्टियों के जो वोटर होते हैं वहां पर उनके वोट ही काटे जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव से पहले। ये बड़े स्तर पर दोस्तों साजिश का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, कांग्रेस की न्याय यात्रा रैली को
सशर्त यहां पर मंजूरी मिली है अभियान छेड़, राहुल गांधी बोले लेकर रहेंगे इंसाफ, सहो मत डरो मत। और वहीं यहां पर बीजेपी की सरकार बौखलाई हुई है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से बयान आया है पूरे मामले पर। राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा को असम की राजधानी गुवाहाटी के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां काफी नर्सिंग होम है, बार बार एम्बुलेंस आती है, इसलिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ये यहां पर देख सकते हैं कि बहाने बनाए जा रहे हैं बीजेपी के सीएम की तरफ से। राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा में माना जा रहा है कि प्रचंड भीड़ देखने को मिलेगी, इसीलिए यहां पर बीजेपी लोकसभा के चुनाव से पहले डरी हुई नजर आ रही है। पहले मणिपुर के अंदर इजाजत नहीं दी जा रही थी, दबाव के बाद में इजाजत दी गई, और अब वैसा ही असम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस की भारत छोड़ो न्याय यात्रा को नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में सशर्त यहां पर मंजूरी मिलने के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत छोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों को न्याय योद्धा बनाने के लिए अभियान छेड़ा है यहां पर, और उनको भारी समर्थन भी इस अभियान में मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है कि मायावती को मनाने के लिए अखिलेश यादव ने लगाई पूरी ताकत, सीट शेयरिंग फार्मूला तैयार, इतनी सीटें दे सकती है सपा, हो सकता है गठबंधन। लोकसभा के चुनाव से पहले यूपी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने बसपा को गठबंधन में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यही नहीं, अगर बसपा गठबंधन में आती है तो इसके लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया है। अब बस मायावती की हां का ही इंतजार है। बताते चले दोस्तों, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की पूरी कोशिश यहां पर कर रहे हैं। इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सपा चुनाव में बसपा को 25 से 30 सीटें दे सकती है। सपा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पीछे वो ये दलील दे सकती है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो अभी भी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट आ रही है, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से चारों ही शंकराचार्यों ने यहां पर इनकार कर दिया था। अब इसको लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी निर्माणाधीन पूजा स्थल का उद्घाटन इसलिए कर रही है क्योंकि इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी संतों की बात आखिर क्यों नहीं सुन रही है, उसको किस बात का घमंड है। कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने की बात यहां पर पहले ही कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया था। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे ने पूछा कि बीजेपी संतों की बात आखिर क्यों नहीं सुन रही है, चारों शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, इस पर बीजेपी का क्या कहना है। पूरे मामले पर बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।